घर पे हो और बोर हो रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में ट्राई कर सकते हो। फिर आपके ये जो लॉकडाउन वाले दिन है झट से कटेंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो पहली चीज़ ये है कि आप कोई ऑनलाइन ई बुक पढ़ सकते हो, कोई नॉवल पढ़ सकते हो, कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ पढ़ सकते हो, इल्यूमिनाटी के बारे में पढ़ सकते हो, डीप वेब डार्क वेब के बारे में पढ़ सकते हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हो, कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ें हैं। और अगर आप कोई एक चीज़ में घुसोगे फिर उससे आपको कोई दूसरी चीज़ पता चलेगी, फिर आप उसके बारे में पढ़ोगे, तो एक टॉपिक को अगर आप उठाओगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप इन लॉकडाउन के पीरियड में ट्राई कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ ये कि आप कोई मूवी अपनी देख सकते हो, कोई नई मूवी देख सकते हो, कोई वेब सीरीज़ है आपकी छूटी हुई वो आप पूरी कर सकते हो, कोई नई वेब सीरीज़ देख सकते हो, अमेज़ॉन प्राइम नेटफ्लिक्स बहुत सारी चीज़ें आप उन सारी को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करो क्योंकि वहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है हर टाइप की मूवीज़ की। और एक और चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई भी मूवी अगर चाहिए होगी तो उसका भी मैंने एक पैकेज पूरा बना के रखा है, तो आप गूगल ड्राइव के लिंक से आप ट्राई करोगे तो फिर उससे वो आ जाएगा और फिर आप मूवीज़ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना और आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो तीसरी चीज़ ये कि आप अपनी फ़ोटोज़ या मूवीज़ का बैकअप बना सकते हो। आपके फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी, बहुत सारा बेकार कूड़ा कचरा सब कुछ, उन सारी चीज़ों को आप बैकअप करके अपने लैपटॉप या पीसी में डाल सकते हो, या अगर आपको स्टोर करना है तो आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज पे, मतलब गूगल फोटोज़ या गूगल ड्राइव या बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज हैं वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। फिर आपका डेटा जो है सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि होता ही है कि हम लोग फ़ोटोज़ खींचते जाते हैं और उसका बैकअप करना भूल जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपको अपना जो भी डेटा है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से रखने के लिए, बिल्कुल साफ़ सफाई तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर वे में, जिससे फ्यूचर में जब आप उन सारी फ़ोटोज़ या वीडियोस को देखो तब आप आराम से उन सारी चीज़ों को अरेंज कर पाओ और जैसे ही आप खोलो तुरंत आपको वो मिल जाए। चौथी चीज़ ये कि पहले तो आप अपना डेटा जो है पूरा उसको बैकअप कर लो, उसके बाद क्या करो आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हो, जिससे बिल्कुल वो नया नवेला लगने लगे और बिल्कुल बढ़िया मक्खन जैसे चलने लगे। क्योंकि होता ही है कि हम फालतू फालतू के ऐप्स और कचरे को इंस्टॉल कर लेते हैं फिर उसको हटाना भूल जाते हैं, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम अपने फ़ोन को बिल्कुल क्लीन सफाचट करने के लिए, तो ट्राई करना इसे। तो पांचवी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन गेम अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ये बहुत परफेक्ट टाइम है, आप ट्राई कर सकते हो। पबजी फॉर्टनाइट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, एपेक्स लेजेंड हो गया, इन सारी गेम्स को आप ट्राई करो। एडिक्ट ना बनो, लिमिटेड खेलो, मगर हाँ एक्सपीरियंस लो, नया नया एक्सपीरियंस लो कि इस गेम के अंदर क्या होता है, इस गेम के अंदर क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और हाँ, अगर आपका नेट नहीं चल रहा है या मतलब नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उतना फास्ट इंटरनेट नहीं है पबजी खेलने लायक, तब आप क्या कर सकते हो कि GTA San Andreas, Vice City और IGI और काउंटर स्ट्राइक, इन सारी गेम्स को डाउनलोड करके रख लो यार, फिर खेलो, तो आपके ये जो लॉकडाउन का पीरियड है आपके झट से निकल जाएंगे। मिशन पूरे करने में ही आपके 20-25 दिन निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। छठी चीज़ ये कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से फिर से बातें करने लगो या उससे फिर से कांटेक्ट में आ जाओ कि यार तू क्या कर रहा है आजकल, क्योंकि होता ही है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप अपने पुराने फ्रेंड से फिर से कांटेक्ट में आओ और फिर से उनसे बात करने लगो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सातवीं चीज़ ये कि आप कोई नई एप्लीकेशन ट्राई करो, कोई नया एक्सपीरियंस लो। मान लो अगर आपने अभी तक स्नैपचैट इंस्टॉल नहीं किया तो स्नैपचैट को करो, टेलीग्राम नहीं किया तो टेलीग्राम को करो, टेंडर नहीं किया तो टेंडर को करो, और लिंक्डइन नहीं किया है या ट्विटर नहीं किया है तो इन सब पे आ जाओ और नया नया एक्सपीरियंस लो कि यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है। खाली इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप इन सब तक मतलब सीमित ना रहो, अपना रेंज थोड़ा सा बढ़ाओ इन दिनों और नए नए एक्सपीरियंस लो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। आखिरी चीज़ ये कि अगर आपका मन है कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो तो ये बिल्कुल सही वक्त है यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। अगर आप वीडियोस बनाने में एबल नहीं हो या अपना फेस दिखाने में उतना सिक्योर नहीं फील करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ब्लॉग लिखने लगो और ब्लॉगिंग करने लगो। blogger.com पे जाओ, वहाँ पे लॉगिन करो, वहाँ पे अपने ब्लॉग लिखने लगो। तो और मान लो अगर आप अच्छा कंटेंट लिखने लगे और लोगों को पसंद आने लगा तब क्या पता आप निकल जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और इसको ट्राई ज़रूर करना। दसवीं चीज़ ये कि आप पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि पॉडकास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहता है और आपकी माइंड की एबिलिटी को ऑब्वियस सी बातें बढ़ाएगा ही, तो पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करो।
ग्यारहवीं चीज़ ये कि कोई मैजिक ट्रिक सीखो। इंटरनेट पे भर भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उस पर आपको मैजिक सिखाया जा रहा है, किस में कुछ सिखाया जा रहा है, तो सीखो यार, इसीलिए तो बनी, सीखो। कोई मैजिक ट्रिक सीख जाओगे, फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में दिखाओगे। फ्रेंड्स को तो चलो बाद में दिखाओगे जब लॉकडाउन वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, मगर अपनी फैमिली में दिखाओगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, और मज़े आपको आएंगे कि यार ये देखो मैंने ये सीखा, और काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, तो ट्राई करना इसे। तो बारहवीं चीज़ ये है कि आप फ़न के लिए ये चीज़ कर सकते हो, आप टिकटॉक अपना स्टार्ट कर दो, टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दो, और क्या पता आपकी वीडियो अच्छी हो जाए और आप वायरल हो जाओ, तो बिल्कुल मज़े ही आ जाए, तो ट्राई करना टिकटॉक को। तेरहवीं चीज़ ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली क्योंकि फ्लिपकार्ट ने बंद कर दिया और अमेज़ॉन ने खाली एसेंशियल सर्विसेज़ को ओपन रखा है, तो मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाओ और जो फ्यूचर में चीज़ें आपको मंगानी है उन चीज़ों को अपने कार्ट में ऐड कर लो, ताकि जब फ्यूचर में आप आओ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तब जो चीज़ आपको ख़रीदनी हो वो आपको अपने कार्ट पे मिल जाए, तो आप उसको आसानी से वहाँ से ख़रीद लो, और फिर आपका जो फ्यूचर में जो है वो टाइम बच जाए, तो ये टाइम को आप इस चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अगली चीज़ ये है कि आप नई म्यूज़िक को ट्राई कर सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, जितने भी आप देख रहे हो, आप बॉलीवुड मोस्टली सुनते होंगे, मगर ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप नए म्यूज़िक को एक्सप्लोर करो। आप के पॉप को सुनो, आप हॉलीवुड को सुनो, आप नई नई म्यूज़िक को ट्राई करो, ताकि आपका जो है फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, आपका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, और आप काफ़ी ज़्यादा नई नई म्यूज़िक को सुनो और आपका दिमाग थोड़ा बढ़ पाए। अगली चीज़ ये कि आप अपना खुद का सोलो शूट कर सकते हो। घर पे हो ना, अकेले हो, तो खुद की फ़ोटो ही खींचो, अलग अलग पोज में अलग अलग एंगल पे अपनी फ़ोटो खींचो, और क्या पता बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ़ोटो आपकी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और आपकी फिर फोटोग्राफी स्किल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। घर पे हो ना, तो अपनी फ़ोटो ही खींचो। अगली चीज़ ये है कि आप अपनी हॉरोस्कोप को पढ़ सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा फन वाली चीज़ रहेगी कि आपके साथ 2020 में ये होगा, 2021 में ये होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप काफ़ी नई नई चीज़ें जानोगे अपने बारे में। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये 100% सही होता है या 100% गलत होता है, मैं बस खाली आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी हॉरोस्कोप को पढ़ो और आपको काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी अपने बारे में, और आपको खुद नहीं पता होगा कि यार ये ऐसा भी मैं हूँ, तो ट्राई करना है इसे और काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अगली चीज़ ये कि आप अपना होम वर्कआउट शुरू कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर टाइम है कि आप होम वर्कआउट के लिए अपना टाइम स्टार्ट करें और बिल्कुल सही प्रॉपर सारी चीज़ें लगाएं और अपनी बॉडी मसल गेन करें। अगली चीज़ ये है कि आप घर पे हो ना, तो खाना ही बनाना स्टार्ट करो, खाना बनाना सीखो, अपनी मम्मी से सीखो खाना बनाना, और फिर आप उनकी हेल्प करो, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, उनकी भी मदद हो जाएगी और आप भी सीख जाओगे, और कहीं फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ी तो आप अपना खुद का खाना खुद बना तो सकते हो। अगली चीज़ ये है कि आप अपने घर की साफ़ सफ़ाई स्टार्ट कर दो। आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो वहाँ उस जगह को साफ़ करो, जहाँ पे आपकी बुक्स लगी रहती हैं वहाँ उस जगह को साफ़ करो, अपने कपड़ों को बिल्कुल सही से अरेंज कर दो, जहाँ पे आप अपना वर्क करते हो पीसी वाला उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर दो, अपने मॉनिटर लैपटॉप जो भी आपका है उसको बिल्कुल सही से साफ़ कर दो। अगली चीज़ ये कि आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वर्क कर सकते हो। ये बिल्कुल सही और प्रॉपर टाइम है अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करने के लिए, और आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो बताते हैं, तो आप उन सारे कोर्सेज को ले सकते हो और अपने पर्सनालिटी पे वर्क कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है और इसको ट्राई करना ज़रूर। अगली चीज़ ये है कि आप महाभारत या गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो। महाभारत तो टीवी पे आ रही है तो आप वो देख सकते हो, और गीता पढ़ना भी आप स्टार्ट कर दो, जिससे आपको लाइफ का अपना एम मिल जाएगा, तो आप गीता भी पढ़ना स्टार्ट करो। अगली चीज़ ये है कि आप कोई हॉरर मूवी देख सकते हो। द शाइनिंग और गेट आउट करके ये दो मूवीज़ हैं, आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, यहाँ तक आए हुए हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।